Prime Minister Boris Johnson, distinguished delegates, media के हमारे साथी, नमस्कार। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री के रूप में भले ही यह उनकी पहली भारत यात्रा है, लेकिन एक पुराने मित्र के रूप में वे भारत को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। पिछले कई वर्षों से भारत और यूके के संबंधों को मजबूत करने में प्रधानमंत्री जॉनसन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस समय जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का यहां आना अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है। और कल तो पूरे भारत ने देखा है कि आपने अपनी भारत यात्रा का शुभारंभ साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करके किया। फ्रेंड, पिछले साल हमने दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की स्थापना की थी और इस दशक में अपने संबंधों को दिशा देने के लिए हमने एक महत्वाकांक्षी रोड मैप 2030 भी लॉन्च किया था। आज की हमारी बातचीत में हमने इस रोड मैप में हुई प्रगति को रिव्यू भी किया और आगामी समय के लिए कुछ लक्ष्य भी तय किए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के विषय पर दोनों देशों की टीम्स काम कर रही है, बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है और हमने इस साल के अंत तक एफटीए के समापन की दिशा में पूरा प्रयास करने का निर्णय लिया है। पिछले कुछ महीनों में भारत ने यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समापन किया है। उसी गति, उसी कमिटमेंट के साथ हम यूके के साथ भी एफटीए पर आगे बढ़ना चाहेंगे। हमने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की है। रक्षा क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, डिजाइन और डेवलपमेंट सभी क्षेत्रों में यूके द्वारा आत्मनिर्भर भारत के समर्थन का हम स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, भारत में चल रहे व्यापक रिफॉर्म्स हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन प्लान और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में भी हमने चर्चा की। हम यूके की कंपनियों द्वारा भारत में बढ़ते निवेश का स्वागत करते हैं और इसका एक उत्तम उदाहरण हमें कल गुजरात में हालोल में देखने को मिला। यूके में रहने वाले 1.6 मिलियन भारतीय मूल के लोग समाज और अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में सकारात्मक योगदान कर रहे हैं। हमें उनकी उपलब्धियों पर गर्व है और इस जीवंत सेतु को हम और मजबूत करना चाहते हैं। इस दिशा में प्रधानमंत्री जॉनसन ने निजी रूप से बहुत योगदान किया है, इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, हमने ग्लासगो में आयोजित COP26 में लिए गए संकल्पों को पूर्ण करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। आज हमने अपने क्लाइमेट और एनर्जी पार्टनरशिप को और अधिक गहन करने का निर्णय लिया। हम यूके को भारत के नेशनल हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं और हमारे बीच स्ट्रेटेजिक टेक डायलॉग की स्थापना का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हमारे बीच ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप के इंप्लीमेंटेशन अरेंजमेंट्स का समापन एक बहुत महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। यह अन्य देशों के साथ हमारी विकास साझेदारी को और मजबूती प्रदान करेगा।
इसके तहत तीसरे देशों में मेड इन इंडिया इनोवेशंस के ट्रांसफर और स्केलिंग अप के लिए भारत और यूके 100 मिलियन डॉलर तक को फाइनेंस करेंगे। इनसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्राप्ति में और क्लाइमेट चेंज से निपटने के प्रयासों में भी मदद मिलेगी। ये हमारे स्टार्टअप्स और एमएसएमई सेक्टर के नए मार्केट्स तलाशने और अपने इनोवेशंस को ग्लोबल करने में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। फ्रेंड, हमने क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर हो रहे अनेक डेवलपमेंट्स पर भी चर्चा की। एक फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड ऑर्डर पर आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र बनाए रखने पर हमने जोर दिया। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ने के यूके के निर्णय का भारत स्वागत करता है। हमने यूक्रेन में तुरंत युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया। हमने सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान का महत्व भी दोहराया। हमने एक पीसफुल, स्टेबल और सिक्योर अफगानिस्तान और एक इंक्लूसिव और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के लिए अपना समर्थन दोहराया। यह आवश्यक है कि अफगान भूमि का प्रयोग अन्य देशों में आतंकवाद फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। एक्सलेंसी, आपने हमेशा भारत और यूके के संबंधों को मजबूत करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। इसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। एक बार फिर आपका और आपके प्रतिनिधिमंडल का भारत में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।